दौड़ के भाईजान दौड़ के तो मिलो मिलो साथ यार प्रदीप टीम करो प्लेइंग 11 करो जल्दी हेलो 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 ये हमारा मेंटर
पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर जो आज गेम खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट के हवाले से थोड़े से बताइए। देखिए जैसे आप इस वक्त खुद देख रहे हैं तो आज से हमने जो कश्मीर ओपन जो हॉकी टूर्नामेंट है उसका बाज़ाबता तौर से यहाँ इफ्तिताह किया है। तो इसमें हमारे जो मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर के वहाँ से हमारी जो टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो टूर्नामेंट है ये तकरीबन 5-6 दिन तक चलेगा और इसमें हमने कोशिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट से जो टीम्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और जो कश्मीर वेटरन्स जो हॉकी जो सोसाइटी है ये हम कोलेब्रेशन में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है और बहुत पुरानी गेम है। इसमें जो जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो अगर इंडिया ने कभी स्टार्ट में आजकल तो मेडल्स इंडिविजुअल इवेंट्स में आते हैं लेकिन अगर जो टीम इवेंट्स में कभी इंडियन जो नेशनल टीम है उन्होंने कभी मेडल हासिल किए थे तो वो हॉकी ही थी। तो इसलिए इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस गेम की और हम चाहते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बाकी जो एथलेटिक्स जिमनास्टिक्स या क्रिकेट वगैरह उसके साथ साथ जो हमारी अपनी जो नेशनल गेम है जो कौमी खेल है उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और रही बात जो जो हमारे जो एसोसिएशनस हैं जो हमारी जो वेटरन हॉकी वेटरन जो सोसाइटी है या J&K सपोर्ट्स काउंसिल की है हमारा जहां भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है चाहे वो इक्विपमेंट हो चाहे वो प्ले फील्ड्स हो आप खुद देख रहे हैं कि आज हमारे पास जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो जो प्ले फील्ड्स है वो अवेलेबल हैं सिंथेटिक टर्फ्स अवेलेबल है। यह आज से 5-10 साल पहले तक हमारे पास जो ख्वाब रहता था यहाँ कश्मीर के बच्चों के लिए तो वो आज हमारे पास मैसर है। हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो एथलीट हैं वो इन खेलों में आएँ और अपना जो फिज़िकल जो नशोनुमा है जो जिस्मानी नशोनुमा है उसको संवारने के साथ साथ अपना वो कैरियर भी संवार सकते। सर ग्राउंड पर मतलब जो फीस है वो हमने सारे जो जो ग्राउंड्स हैं जो भी कश्मीर में ओवरऑल है वो सबके लिए यूनिफॉर्मली फिक्स्ड किया गया है। वो नहीं पर्टिकुलरली इस ग्राउंड की मैं नहीं बात करूँगा कि वो हमने यहाँ के लिए आप चाहते हैं कि मतलब जहाँ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब इन खेलों में आए तो वहाँ गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू कंपोनेंट भी होता है तो उसका भी खास ख्याल रखना होता है। सर इस ग्राउंड पे तो क्या करिए? नहीं देखिए यहाँ हमारा अपना खेलो इंडिया सेंटर्स भी चलते हैं जो आपको पता है कि अभी जो रिसेंट जो विजिट था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने अगर सपोर्ट्स के रिलेटेड अगर ख़ास बात की है वो खेलो इंडिया सेंटर्स की है तो उसमें भी हमें उनको भी एक स्पेस देनी पड़ती है क्योंकि उनको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन करने पड़ते हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि जहाँ हमारे दूसरे बच्चे हैं अगर उनको टाइम स्लॉट अभी तक नहीं मिला हुआ है तो वी विल ट्राई टू अकोमोडेट।